Okay, so the next topic of visual system is reflex section. Reflex section क्या होता है? Reflex section का मतलब ये है कि body का action in response to any stimulus, कोई भी sudden reaction body का जो कि उसके will के control में नहीं है, जो कि उसके will के control में नहीं है, sudden हो रहा है और in the response of stimulus. Stimulus क्या है? Stimulus is any change in the external environment. ठीक है? It's what? Any sudden involuntary action taken by body in response to stimulus. ठीक है, stimulus क्या होता है? Any external change in environment, any external change in environment okay. तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप मान के चलिए कि आपके आसपास अभी सब कुछ ठीक है, पर एकदम से सडनली आपका हाथ, आपको बिना नॉलेज में आए हुए आपका हाथ सडनली टच हो जाता है किसी गर्म चीज से. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी चेंज इन द स्टिमुलस, यू थिंक दैट इट्स लाइक सेम थिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. तो यू जस्ट सडनली टच एनी हीट हॉट ऑब्जेक्ट और एनी कोल्ड ऑब्जेक्ट, देन व्हाट यू डू, यू सडनली विथड्रॉ योर हैंड. ओके, तो कोई क्या हुआ, आपके आसपास की सराउंडिंग में चेंज आया. चेंज क्या आया कि उस सराउंडिंग में एकदम से हॉट ऑब्जेक्ट आ गया या कोल्ड ऑब्जेक्ट आ गया. तो वो क्या था? वो एक स्टिमुलस था, दैट वाज अ स्टिमुलस. तो इफ यू सडनली टच एनी यू नो कोल्ड ऑब्जेक्ट और एनी हॉट ऑब्जेक्ट एंड यू विथड्रॉ योर हैंड, विथड्रॉइंग योर हैंड इज अ रिस्पॉन्स, व्हाइल द दैट हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज व्हाट, दैट इज स्टिमुलस. तो वो क्या था, वो एक चेंज था एनवायरमेंट में. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो हम करते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो हमारे नॉलेज में होते हैं या फिर नहीं होते. ठीक है, अच्छा इस बेस पर कि वो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रही है या फिर हमारा ब्रेन कर रहा है, ये दो बेस, दो टाइप के होते हैं. तो पहला है कौन सा, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस, दूसरे होते हैं क्या, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस. अगर रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है तो हम सेरेब्रल स्पाइनल सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, बट इफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड देन सच रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने ये बताया आपको, जैसे विथड्रॉइंग योर हैंड इफ यू टच एनी कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट, या फिर क्या हो सकता है, ब्लिंकिंग योर आईज, इफ सडन फ्लैश ऑफ लाइट इज फॉल ऑन योर आईज देन यू you know, blink your eyes or you close your eyes. That's also a reflex action. Blinking your eyes, like after some time, what you do? You blink our eyes. हम कुछ कुछ time पर अपनी आँखों को blink करते हैं, बंद बंद करते हैं बीच में. ठीक है? That is what, this is reflex action. ठीक है? So that muscles of eyelashes or and your eyelids don't get tired. So we take a bit rest in between. ठीक है? और क्या हो सकते हैं, जैसे कि बाइल जूस का रिलीज होना हमारे गॉल ब्लैडर से, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन वो हमारे नॉलेज में नहीं आता, जबकि हमारे ब्लिंक करना करना ये हमें नॉलेज में आता है, हमारा हाथ हटाना ये हमें पता चल जाता है कि हमने हाथ हटाया है. लेकिन बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, जैसे कि हार्ट बीट, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, लेकिन ऐसे भी हैं जो हमें नॉलेज में आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको हॉट ऑब्जेक्ट से अब हम अपना हाथ विथड्रॉ करेंगे, आईज को ब्लिंक करेंगे. ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर नॉलेज में आने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है, ओके, तो अब इसमें देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क. चीज आती है क्या, एक बड़ा आता है रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क ये क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि हम यहां पर एक हॉट ऑब्जेक्ट को स्टिमुलस मान के चलते हैं और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज हॉट ऑब्जेक्ट, ये हॉट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और यहां पर ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज हैंड, दिस इज हैंड. तो ये हैंड से टच हुआ हॉट ऑब्जेक्ट, तो हैंड पर हमारे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उन्होंने उस मैसेज को रिसीव किया,
उन्होंने वो मैसेज कैरी किया कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। हम यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्सेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो मैसेज कैरी किया स्पाइनल कॉर्ड में, हमने स्पाइनल कॉर्ड का टीएस देखा था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्या कहलाता है, डॉर्सल रूट हॉर्न, या डॉर्सल हॉर्न कहते हैं उसको। जो नीचे वाला क्वेश्चन होता है वो वेंट्रल हॉर्न कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ओके। तो यहाँ से ये क्या है, ये एक सेंसरी नर्व फाइबर है, ये इफरेंट नर्व फाइबर है जो कि लेकर जा रही है मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या CNS की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो रिसेप्टर ने मैसेज रिसीव किया, इट कैरीज द मैसेज कैरीड फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू अ सेंसरी नर्व फाइबर और इफेक्टर और एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। दिस मैसेज इज सेंट टू स्पाइनल कॉर्ड, ओके, वेयर अ इंटरन्यूरॉन इज प्रेजेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरन्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी नर्व फाइबर में मैसेज लेकर गई और उसने क्या किया, फिर मैसेज को दे दिया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज को प्रोसेस किया और इंटरन्यूरॉन की हेल्प से जो रिस्पांस था वो ट्रांसमिट कर दिया किसमें, वेंट्रल हॉर्न के पास, ठीक है। तो इंटरन्यूरॉन बीच में प्रेजेंट है, ये इट रिले करता है ये मैसेज को। रिले मतलब क्या होता है, पास करना, रिलेज मैसेज, ठीक है। तो ये मैसेज हम वेंट्रल हॉर्न के पास आ गया कि अभी क्या मैसेज है, क्या एक्शन लेना है, ये इस बात का मैसेज है। अब ये मैसेज मोटर नर्व फाइबर या एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू जाएगा कहां पर, उसी हैंड के पास ही जाएगा। ये हैंड है पूरा, दिस इज अ कंप्लीट हैंड, ठीक है। और इफेक्टर मतलब क्या हुआ, स्केलेटल मसल्स, अगर अपने हाथ मूव कर रहे हैं तो कौन सी मसल्स यूज होंगी, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो इफेक्टर मतलब स्केलेटल मसल्स तक मैसेज पहुंचा कि उसको क्या एक्शन लेना है, और उसने हाथ में अपने आप को विदड्रॉ कर दिया। तो दिस वॉज रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथ फॉलो किया है नर्व इंपल्स ने इन रिफ्लेक्स एक्शन, दैट पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, मतलब फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर द पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और ये रिफ्लेक्स आर्क है, ये पाथ, दिस पाथ इज रिफ्लेक्स आर्क, ओके। अब रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, और दो टाइप के हैं, मतलब इसके अलावा कौन सा है, एक होता है अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस, और दूसरे होते हैं क्या, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस। अनकंडीशन और कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस क्या फर्क है दोनों में, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये बाय बर्थ हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आइज बताया मैंने अभी आपको, ठीक है, और फ्लैश ऑफ लाइट एकदम से अगर आई से पड़ेगी तो आंख बंद हो जाएंगी, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ माउथ व्हेन यू हियर अ लाउड साउंड, ये जब लाउड साउंड सुनते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड ईयर में जाता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है साउंड का, वो हमारे यूस्टेशियन ट्यूब के होते थ्रू माउथ से रिलीज हो जाता है। तो ये हम ईयर के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो अगर हम लाउड साउंड सुनेंगे बहुत ज़्यादा तो हमारा माउथ अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, दीज आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस या बाय बर्थ रिफ्लेक्सेस, इनबॉर्न होते हैं, इनबॉर्न, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या, अच्छा ये रिफ्लेक्सेशन कभी नहीं जाते, कभी डिसअपीयर नहीं होते हमारे में से, ये हमेशा रहेंगे, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्सेशंस क्या होते हैं, ये दे आर लर्न्ड, ये मतलब सीखे जाते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। जैसे एग्जांपल स्विमिंग, आप एक बार स्विमिंग सीख लीजिए तो उसके बाद आपको पानी में बहुत टाइम बाद पानी डाला जाएगा तो आप मतलब तैरेंगे, आपको आएगा तैरना क्योंकि आपको रिफ्लेक्सेशन में ऐड हो गया है, ठीक है। ऐसे बाइसिकलिंग भी है, साइकिल चलाना भी है, ठीक है। लेकिन इन सब ये रिफ्लेक्सेशन जो सीखे हुए होते हैं ये डिसअपीयर हो सकते हैं अगर उनकी प्रैक्टिस ना करें तो, अगर बहुत लंबे टाइम तो प्रैक्टिस ना करो उनकी तो हो सकता है खराब साइकिल चलाओ बहुत ज़्यादा या ऑलमोस्ट चला ही ना पाओ या स्विमिंग ना कर पाओ, तो रिफ्लेक्सेशन डिसअपीयर हो सकते हैं ये क्योंकि ये सीखे हुए, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस, ओके। तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था क्या, पावलोव था, ठीक है। पावलोव नाम से ज्यादा फेमस है ये, तो पावलोव फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स कहलाते हैं, इज नोन एज फादर ऑफ
कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, कि एक बैल थी और एक डॉग था, ठीक है। एक को यहाँ पर डॉग है, समझ लीजिए डॉग है, ओके। तो बैल को क्या करते थे, पहले डॉग को जब भी आप फूड दोगे तो क्या होगा, फूड देखते ही उसमें सलाइवा आएगा, ठीक है, ये नेचुरल है, ये अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैल बजाई, पहले बैल बजाते थे कुछ टाइम, तो उन्होंने क्या किया, एक बैल बजाई, फूड लेकर आए और सलाइवा आया, तो बैल और फूड साथ में आया ऑलमोस्ट, और उसके सलाइवा आ गया उसके माउथ में डॉग के। एक दिन किया उन्होंने ऐसा, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन, कुछ दिन तक लगातार उन्होंने ऐसे किया, हर बार जब भी फूड के साथ में बैल को रिंग किया, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने सिर्फ बैल बजाई और फूड नहीं दिया, तो भी उस डॉग के सलाइवा निकलना शुरू हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, उसने फूड को बैल के साथ एसोशिएट कर दिया कि भाई बैल बजती है तो मुझे फूड मिलता है। तो यहाँ पर बैल क्या हो गया, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, बैल क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और बैल को सुनकर जो सलाइवा निकल रहा है वो क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेचुरल होता है वो क्या होता है, फूड जो है अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो सलाइवा निकल रहा है डॉग के माउथ से वो क्या है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो फूड है, फूड इज अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, और सलाइवा आ रहा है जिसकी वजह से वो क्या है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, अनकंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन बैल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस है, और बैल की वजह से जो सलाइवा आ रहा है वो क्या है, वो एक कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, समझ में आया। तो उसने क्या किया, डॉग ने बैल के साथ एसोसिएट कर दिया फूड को, कि वेन एवर बैल इज रन देन आई विल गेट फूड, तो सलाइवा कम्स आउट, ठीक है। तो ये हुआ, तो इट वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा हम रिफ्लेक्स एक्शन को दो तरह से और देखते हैं, एक होता है पॉलीसेरेप्टिक, पॉलीसेरेप्टिक, और एक होता है मोनोसेरेप्टिक, ठीक है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन में कई सारे साइनेप्स यूज हो रहे हैं, साइनेप्स हमको पता है क्या होता है, कि दो न्यूरॉन का जंक्शन, तो अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स का जंक्शन उसमें बीच में आ रहा है, पॉलीसेरेप्टिक अगर रिफ्लेक्स एक्शन है, तो उस रिफ्लेक्स आर्क में अगर बहुत सारे साइनेप्स बन रहे हैं तो उसे हम पॉलीसेरेप्टिक कहते हैं, और अगर सिर्फ एक ही साइनेप्स बन रहा है पूरे इसमें, पूरे रिफ्लेक्स आर्क में, तो क्या है वो, मोनोसेरेप्टिक कहलाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर पॉलीसेरेप्टिक होते हैं, पर मोनोसेरेप्टिक अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, नी जर्क एक्शन, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर ये पता करने के लिए कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन सिस्टम ठीक है कि नहीं है, तो वो ऐसे बैठा देते हैं किसी पेशेंट को चेयर पर, और यहाँ पर पैटेला पर एक टेंडन होता है, ठीक है, यहाँ पर हैमर से, वुडन हैमर से ऐसे ऐसे टिक करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, नी पर वुडन हैमर से, चेयर उठाने के बाद नी पर वुडन हैमर से टिक करते हैं, टैप करते हैं ऐसे करके, जैसे अगर किसी को बैठा दिया हमने ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर एक टैप किया जाता है इस जगह। इससे क्या होता है, इससे ये जो पैर है सडनली ऐसे हवा में उठ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर उठ जाएगा पैर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे। तो ये क्या होता है, ये मोनोसेरेप्टिक एक रिफ्लेक्स एक्शन, इसका एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, यही होता है नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन। तो जब पैटेला मतलब क्या होता है, ये जो नी कैप है इसे बोन को पैटेला कहते हैं, यहाँ पर नी कैप बोन को पैटेला कहते हैं, तो इस पर हम टैप करते हैं तो हमारा पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है, ठीक है, इस तरीके से अपने ऊपर उठ जाएगा। तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये एक मोनोसेरेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जांपल, कि मोनोसेरेप्टिक एक्शन का या नीचे रिफ्लेक्स एक्शन किससे एग्जांपल है, मोनोसेरेप्टिक है या पॉलीसेरेप्टिक है,